नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा कि ये लोग वास्तविक काम करेंगे, जिन्हें भी कथा सुनाएंगे उन्हें निश्चित ही भगवान उनके हृदय में बैठेंगे। हाँ, ऐसे सुनाने वाले लोग चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, जो भी सुना रहे हैं आंशिक रूप से भगवान को बिठा रहे हैं, और बहुत अच्छे, बहुत उच्च कोटि के महानतम वक्ता भी। और देखो, देवर्षि नारद जी महाराज भी कहीं गए थोड़ी हैं। तो ये सब जितने भी ये व्यास स्वरूप भगवान हैं, ये देवर्षि का संकल्प पूरा कर रहे हैं, जो जिनकी प्रतिज्ञा है, तदा नाहम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। तो इन्होंने अपने हरिदासत्व को दाव पे लगाया है। तो ऐसे ये हमारे गुरुदेव का संकल्प पूरा कर रहे हैं। धीरज भैया युवान भी हैं, विनम्र इतने हैं, आप देखेंगे, और ब्रजवासी हैं। श्री कृष्ण से सहज संबंध उस धरती से लेके पैदा हुए हैं, फिर परिवार संतों के परिवार में जन्मे, फिर विशेष बात की इनमें इस चीज़ की ठसक इस तरीके से नहीं है। जो अस अभिमान जाए जनी भोरे, तो वो इनके मन में छुपा होगा, लेकिन इनकी वाणी से जो विनम्रता और जो प्यार झलकता है वो बहुत दुर्लभ होता है बेटे। मैंने बहुत कम लोगों में ये चीज़ देखी है। मैं स्वाध्याय करता हूँ अपना अध्ययन, मैं स्वाध्याय करता हूँ शास्त्रों का अध्ययन, मैं साधनाएँ करके भी स्वाध्याय करता हूँ, हर चीज़ के ऊपर रिसर्च करता हूँ। तो जो व्यक्ति मुझे मिलते हैं ना, चाहे वो साधु मिलते हो चाहे कोई भी मिलते हो, मेरा स्वाभाविक मन में सहज स्वाध्याय की वृत्ति है। तो मैं उनका भी अध्ययन, स्व अध्ययन करता हूँ, उन्हें स्वयं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैंने इन्हें ये पढ़ा कि इनमें जो विनम्रता है, ये बाहर से जो बात कर रहे हैं और जो जिस स्थान पे हैं, ये वास्तव में एक भक्त होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए, जिसे देख के ऐसे लगे कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो भगवान की बात कहते हों पर उनके व्यवहार में कुछ आपको कम ज़्यादा लगता है ना, तो सहज जीव भगवान से विमुख होता है, वो और विमुख हो जाता है। तो वास्तव में धीरज भैया जैसे और वक्ता मिल जाएं, तो कुछ भगवान की लीला और वार्ता इनसे सुननी चाहिए, ठीक है। मैं तो हमेशा 365 दिन बोलता ही रहता हूँ, तो अब आज बोलेंगे नहीं, आज सुनेंगे, भैया से सुनते हैं, ठीक है, सही है। चलिए एक बार स्वागत करेंगे भैया का, बोलिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए, मैंने आपका इतना समय ले लिया, लेकिन बिना परिचय कराऊं और आपका बिना ऐसे परिचय ना कराएं और ऐसे ही आप बोलें, ये शिष्टाचार नहीं है। ऐसे मुझे ही अपने भाई लगते हैं, पर इस स्थान पे बैठे हैं ना, तो ये संतों का स्थान है। और इस समय तो व्यास भगवान हैं, सप्त दिवसीय, तो ये सर्वथा भगवान के ही स्वरूप हैं। भागवत जी भगवान का स्वरूप है, ये भागवतकार हैं, इस समय भागवत वक्ताएं हैं, तो ये भागवतकार का ही स्वरूप हो जाते हैं, भगवान शुकाचार्य का स्वरूप हो जाते हैं, भगवान विदुव्यास का स्वरूप हो जाते हैं, इसलिए व्यास जी बोलते हैं। तो इस समय तो व्यास जी हैं, मेरे भाई भी हैं, सर्वथा भैया वंद्य हैं। शत शत नमन करते हुए भैया से और निवेदन करते हैं कि आप कुछ कहें, जैसे हमारे रासलीला में कहते हैं ना, प्यारे आपके नितरास मंडल को समय है गयो है, सो कृपा करके नितरास मंडल में पधारें। तो फिर कहते पधारो, चलो चलो आइए। वृंदावन बिहारी लाल की। भैया भैया ने जितनी भी बात कही है, इनकी स्वभाव में है, सब ही मानव्रत आप हमारे हैं। पर सत्यता भैया ऐसी में है कि अपना कुछ भी नहीं है। मैं आपसे पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, जो कुछ है सब श्री जी की कृपा है। अपना एक परसेंट भी क्या, 0.001% भी अपना नहीं है। सब मेरे पूज्य दादाजी और आप जैसे पूज्य संतों का ही आशीर्वाद है। बाकी मैंने आज तक मैं ना कभी एक अक्षर पढ़ा, ना मैं कभी एक अक्षर किसी से सीखा, बस संतों की चरणों की रज मिली हुई है, उसी से सब कुछ चल रहा है। और आज ठाकुर जी की कृपा है कि मैं उनके सामने, मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं राधा माधव लाल के सामने अपनी हाजिरी लगाऊं, और आज वो इच्छा मेरी गोपाष्टमी के दिन, इससे बड़ा
उत्सव इससे बड़ा भैया आज ही मान ले, हम तो कल कर करने वाले हैं, लेकिन आज मान ले आज भी सप्तमी अष्टमी भैया नंदगांव में आज के ही दिन मनाई जाती। अच्छा आज ही कर ले तो कहवे को तात्पर्य सब पूज्य दादाजी को आशीर्वाद है, अपनों कुछ नहीं है। जितनी भी भैया ने जो भी बात बोली ये इन तक ही सीमित है, मेरे ऊपर वो एक भी अप्लाई ना हो गई। सही बात बताऊं बस श्री जी से एक ही प्रार्थना करें हैं कि हे किशोरी जी तुम्हारे चरणन में पड़े हुए भले हैं बुरे हैं जैसे हैं बस तुम्हारे हैं। कब अपनाओगी किशोरी मोहे, कब अपनाओगी किशोरी मोहे, कब अपनाओगी, कब अपनाओगी श्री राधे मोहे, कब अपनाओगी, कब अपनाओगी किशोरी मोहे, कब कब अपनाओगी किशोरी
और भैया जा दिन मैंने कथा करनी प्रारंभ करी वह दिन मेरे पूज्य दादाजी ने मुझे एक ही बात कही, लाला भागवत की असली वक्ता श्री राधा रानी ही है, क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के हम एक शब्द भी नहीं बोल सके, बिना किशोरी जी की कृपा के एक शब्द हमारी वाणी से ठाकुर जी को गुणगान नहीं हो सके, वो तो श्री जी ही कृपा करके वह सामर्थ्य को प्रदान करें। जो बालक कहे तोतरी बाता सुनहिं मुदित मन पितु अरु माता, बोलनो आवे ना है और सूर्य के आगे दीपक रखने में भैया कोई फायदा नहीं है, या सूर्य बैठे हैं और हम एक छोटे से दीपक पर बड़े की आज्ञा हो गए, एक भक्तमाल में कथा आवे, ज्ञानदेव जी महाराज ने एक भैंसा के ऊपर हाथ रख दिया और वो भैंसा वेद मंत्र पढ़ने लगो, तो ऐसे ही पूज्य संत चरणन ने पूज्य भैया ने आज्ञा करी है हाथ रखो है, तो ये ही बोल रहे हैं श्री राधा माधव लाल ही बोल रहे हैं, अपनी सामर्थ्य नहीं है बोलने की। आज के समय की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो यहां देखने को मिले, और मैंने सुनी बहुत लोगों से है पर आज सबको दर्शन है करके मैं कृतार्थ है। गया कौमार आचरित प्राप्त्यो धर्मान भागवत, क्योंकि कुमार अवस्था थे जो आनंद व भजन में आवे ना वो बड़ा, जो एक कहावत है जो बचपन में जाने भजन करो वही बचपन में भजन कर सके, वाह, और जाने बचपन में भजन नहीं करो वो बचपन में आके कभी भजन नहीं कर सके। और भजन कोई ये नहीं कि भजन केवल माला फेरनो ही भजन है, भज सेवायाम धातु ते भजन शब्द बनो है, अपने बड़े की सेवा करनो, ठाकुर जी की सेवा करनो, गुरु की सेवा करनो, संतन की सेवा करनो, दीन दुखीन की सेवा करनो, ये सब भजन में है। और सेवा कैसी, अपनो सुख नहीं सेव्य को सुख, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो ठाकुर जी को सुख मिले। हम जो ये उत्सव मनावे हैं नित्य कीर्तन कर रहे हैं या कीर्तन करने को भी भैया सुख ठाकुर जी को मिले, क्योंकि प्रिया जी कहमे कि मोको कृष्ण नाम को गुणगान सुना और ठाकुर जी कहमे मोको श्री जी के नाम को गुणगान सुना, तो जब हम जुगल नाम सुनावे तो हमारे राधा माधव लाल दोनों प्रसन्न होवे, ये देखो यहां में हमारा कोई फायदा ना है, ये तो ठाकुर जी को सुख है, तत् सुखित सुखित्वं भाव। और प्रत्येक सेवा में प्रत्येक क्रिया में ठाकुर जी को सुख, उत्सव भी जो हमारे ब्रज की परंपरा है, नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगलम, वाह वाह, ठाकुर जी के नित्य ही मंगल है, नित्य उत्सव है। ये उत्सव क्यों, कि जब हम ठाकुर जी को सुख प्रदान करेंगे तो सुख ठाकुर जी अपने आप हमें दे देंगे, वो अपने पास कछुना रखे तो दोनों हाथन पे लुटावे वाले और लुटावे वाले ना उनके बगल में जो खड़ी है ना वो बरसावे वाली है। पात्रा पात्र विचारणम न कुरते न स्वं परम इच्छते, वाह वाह, ठाकुर जी को श्री जी को स्वभाव कैसो है। ये हमारे जो सांवरिया सेठ हैं ये अपने लीला रूपी धन को ला करके हैं और श्री जी को प्रदान कर रहे हैं, और श्री जी जब वह लीला रूपी धन को देख करके आनंदित होंगे तो प्रेम में ऐसी मतवाली है जामे, प्रेम में ऐसी दीवानी है जामे कि अपनी ऊंची अटारी पर चढ़ करके
वह लीला रूपी धन को हम जैसे कुपात्र को भी लुटा दे। और केवल देखो कोई चीज कोई को दही जावे ना तो सोच समझ के दही जावे कि अधिकारी है या अनाधिकारी। पर जब श्री जी कृपा करें तो जब लुटाई जावे ना भैया चीज बरसाई जावे तो वहां में यूं ना देखो जावे कि ये पात्र है या कुपात्र। तो ऊंची अटारी पर चढ़कर के श्री जी दोनों हाथन से लुटावे कि जाए जितना लूटना है वो लूट लो, क्योंकि उनको नाम है बरसाने वाली, उनके गांव को नाम है बरसाना। बोल बरसाने वाली की जय महाराज। क्योंकि श्री जी जो है किशोरी मेरी करुणा की भंडार, करुणा की भंडार किशोरी मेरी करुणा की भंडार, जगन श्याम हूँ झटपट धावती, कित तज तज घन श्याम हूँ झटपट धावती, दीनन सुनी पुकार, हे हाँ दीनन सुनी पुकार, करुणा की भंडार श्री राधे मोरी करुणा की भंडार। कोई दीन ही नहीं करके पुकारे हे राधे हे किशोरी, श्री जी सो रहो नहीं जावे अपने प्राणन सो ज्यादा प्यारे श्याम सुंदर जिनके बिना एक पल भी नहीं रह सके उनको छोड़ कर के और वादीन की पुकार सुनवे के ताई दौड़ लगा दे जामे ही नहीं है। तज घन श्याम हूं झटपट धावती, महाराज ऐसी किशोरी जी के चरणन में। और भैया आज को जो उत्सव है ना वो गौ माता को तो पूजन हो गई है उपाष्टमी पे, पर वाते पहले श्री जी को पूजन हो गए। अब यहाँ पे हम उत्सव में प्रवेश करें क्योंकि उनने सामर्थ्य दे रही बोल भी बरसा दे करुणा जय महाराज। लाला के मन में आयो कि मैं गैया चराए ले जाऊं, अच्छा तो मैया के पीछे पड़ गए, मैया मैं गाय चरावन जई हूं, मैया गाय चरावन जई हूं। नंद बाबा ते आकर के कही मेहर लाला बड़ो पीछे पड़ रहे हो है, मैया चरावी गुजावी की कह रहे हो है, अभी बालक है कैसे जाए वो। तो बोले मैं सांडिल ऋषि से एक बार बात कर लो उनके मुहूर्त दिखवा लो। तो नंद बाबा सांडिल ऋषि के पास गए और कही कि लाला के गैया चराएवे को मुहूर्त देख दे। तब सांडिल ऋषि ने कही कि बाबा लाला गैया तो चराए आएगो पर लाला के ऊपर बड़ो राक्षसन को प्रकोप हुए वाते रक्षा कैसे होगी, तो तुम ब्रसवान जी ते प्रार्थना करो। और श्री ब्रसवान जी ते प्रार्थना करके ये कहो कि तुम्हारी लाली के चरणन के नीचे जो कमलिया बिछी रहे हैं ना वाकु हमारे लाला को प्रदान कर दे। और सबसे बड़ा मुहूर्त होगो तुम ब्रसभान जी की धेरी को पूजन करियो सबसे पहले जाए जहां श्री जी चरण रखे हैं। अब ब्रसभान जी और नंदराय जी ये दो नहीं एक ही हैं, शरीर दो है पर मन एक है। नंद बाबा ने जाकर के ब्रसभान जी से प्रार्थना करी कि हे ब्रसवान जी हमारो लाला गैया चराएवी के ताई जानो चाहवे और पहले आपते प्रार्थना करके आपते अनुमति लेनी है।
आप जब अनुमति दे दोगे तब लाला को गैया चराए को मुहूर्त होएगा। तो ऋषभ जी ने कही कहा बात है बताओ। बोले सांडिल ऋषि ने आज्ञा करी है कि आपकी लाली के चरणन के नीचे जो कारी कमरिया बिछी रहे ना वाकु आप हमें प्रदान कर दो, वाते हमारे लाला की रक्षा होगी और सबसे पहले अपनी देवी के पूजन को हमको एक बार आज्ञा कर दो। ऋषभान जी तो मना करवे वाले तो है ही ना। तो आज के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन महाराज ठाकुर जी सबसे पहले बरसाने में जाके देवी पूजन करें, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं मिलेगी महाराज वह शक्तिमान के अंदर शक्ति कहां से आएगी, शक्ति तो बरसाने में बैठी आह्लाद की शक्ति है। तो आज ठाकुर जी ने जाकर के देहरी पूजन करो और देहरी पूजन करके श्री जी के चरणन को पूजन करो और पूजन करके जो काली कमलिया ही वापू अपने मस्तक पे अपने कंधा पे धारण करो और धारण करके आज ही के दिन भैया आज को जो दिन है नंदगांव में जन्माष्टमी के बाद सबसे बड़ो त्योहार मानो जावे गोपाष्टमी, और आज वही लीला नंदगांव में जो कि त्यों घर घर ते छाक आवे और छाक लेकर के घर घर में ठाकुर जी को पूजन है करके, क्योंकि आज लाला गैया चरावे जा रहे हो तो तिलक हो गए, हमारे घर में कोई शुभ काम करवे के ताई नाम है तो तिलक करें, हमारे बाबा एक बात कहते तिलक काहे को करें अपनो ब्रज को भाव बताते, बोले हमारे माथे पे जो गलत रेखा है ना तो बहन बेटी मैया या कोई बड़ो या गुरु माथे पे जैसे ही रूरी को तिलक करे तो जो गलत रेखा हो वो कट जावे और काटने के बाद बाकी ऊपर अक्षत लगाया जावे कि जाते क्षति ना हो। वाह। और तिलक करवे के बाद आज ठाकुर जी को जैसे ही तिलक भयो ठाकुर जी वा कारी कमरिया को ओढ़ करके और महाराज गैया चरावे गए। प्रथम गोचारण चले कन्हा, प्रथम गोचारण चले कन्हा, प्रथम गोचारण चले कन्हा, प्रथम गोचारण चले कन्हा। Yeah.
गोविंद नाम में कढ़िया हो गए। कढ़िया का मतलब पकवान बने प्रत्येक घर में। अच्छा, क्योंकि आज ठाकुर जी गैया चरावे जा रहे हैं, ग्वाल बाल जा रहे हैं, संग सबको भूख लगेगी तो प्रत्येक घर से छाप जा रहे घर। चराबे गए तुम्हारा आज वह शोभा को वर्णन श्री छीत स्वामी जी कर रहे हैं। आगे गाये पाछे गायन की खुर रेणु अंगल
आगे गए पाछे गए। आप दर्शन करो लीला को, चारों ओर गैया हैं और कृष्ण बलराम दोनों भैया गल भैया डाल करके उन गैया के बीच में कि गायन सो ब्रज छायो बैकुंठ हु बिसरायो, गायन सो ब्रज छायो बैकुंठ हु बिसरायो, गायन के हित गिर कर ले उठायो गायन के हित के भर ले उठायो चीत स्वामी। महाराज चीत स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, चीत स्वामी गिरधारी विठलेश बप्पू धारी, चीत स्वामी ज्ञान की जो खुरनते उड़वे वाली जो रज है वो श्री ठाकुर जी के श्री अंग पे शोभा को प्राप्त है, मानो आज गोमय श्रृंगार बनो भयो है ठाकुर जी। भैया ठाकुर जी जब गैया चरावे जावे लगे तभी तो छाक की बात आई महाराज, ब्रज की गोपी छाक लेकर के आ गई, या सुख को पावे के ताई ब्रजवासी कह रहे हैं कि अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगू जन्म जन्म दी जो याही ब्रज बसा, अहीर की जात समीप नंद घर घरी घरी श्याम घरी घरी श्याम हेर हेर हसी। अहो विधना ठाकुर जी ते नहीं मांग रहे, क्यों? ठाकुर जी बाल स्वरूप में, अरे बालक पे कोई मांग के थोड़े ही, बालक को तो उल्टो दियो जावे, और विधाता पे मांग रहे और वो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, क्योंकि यह संसार में सबसे बड़ो मांगनो हुए अपनो आंचल पसार के मांगो। महाराज ये पद में भैया आज के दिन नंदगांव में गाया जा रहा है, एहो विधना, एहो विधना अचरा पसार मांगो। और जब ठाकुर जी गैया चराते 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 तेर कदम पे पहुंचे, कदम चढ़ कान बुलावत गैया, तो वहीं पर छाक आवे। छाक के पद जो है वो तेर कदम पे हुए, तेर कदम आशीष स्वर्ग तेर कदम पे दर्शन भी किए श्री रूप गोस्वामी बात की जब भजन स्थल, तो वहां टेर कदम पे छकेहारी छाक लेकर के आए, वाह वाह। मीठो मदन गोपाल, ये पद भी आज ही होगा, वाह आज दधी ये लीला सुना दीजिए, आज दधी मीठो मदन गोपाल दरबारी में मजा दो, आज आज मीठो मदन गोपाल आज शब्द क्यों जोड़ो, ऐसा पूज्य संतन ते सुनो है,
सब भैया सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ, अपनी कछु भी ना है, कोई पढ़ी पढ़ाई ना है, सब सुनी सुनाई है। आज ठाकुर जी जब गैया चराते चराते पहुंचे तो वहां पर सब जगह पे छाक आवे, बरसाने पे भी छाक आई। बरसाने पे ब्रज की गोपी जब छाक लेकर के जावे लगी तो श्री जी ऊंची अटारी पर खड़ी हुई, और श्री जी ने जब देखो कि अरे अरे बहन कहाँ जा रही हो, बोले आज कन्हैया गैया चरावे गए ना, उनके लिए हम छाक लेकर के जा रही हैं। बोले अच्छा छाक लेके जा रही हो, देख दिखाई हो कहाँ लेके जा रही हो। तो श्री जी ने छकारी को बुलायो, देखो तुम मटकी में सुंदर सुंदर दही जमोगे। तो सर्वप्रथम तो श्री जी की जो कृपा दृष्टि है वह दही के ऊपर पड़ी, ठीक एक पहली बार। अरे बड़ा सुंदर दही जमो है तुम्हारा, तो देख दिखाइयो कैसा है। और लेकर के श्री जी ने जैसे ही वहां को भोग लगाया, अरे तो बड़ो मीठो है। और जैसे ही दूसरी बार लेने को वही श्री जी, तो श्री जी का जो अधरामृत है आज वह दही में मिल गया। मीठो मदन गोपाल आज दही, मीठो मदन गोपाल होती है 10 बजे, लेकिन आज कोई बात नहीं, थोड़ा सा अभी इसके बाद कर लेंगे। आप एक पूरी सुना दीजिए, वो एक बार गाड़ी हटा दी थोड़ा सा, वो गड़ी गली में कोई आए ना। आज बाल बाल कहने लगे लाला आज तेरे नैन अलग ही चमक रहे हैं। कोई तो रहस्य की बात है, और ठाकुर जी को जाने क्या रहस्य की बात है। मेरी पहली कड़ी छूट गई उस बात में, एक बार वो पहली कड़ी बोल दी। ठाकुर जी के जो चंचल नैन है, वो जो विशाल नैन है, आज चंचलता छाई हुई है। भावत मोहे तिहारो झूमो, भावत मोहे तिहारो झूमो, चंचल नैन
कोई बात ना, जा पत्ता तोड़ ला। लाए पात बनाए सारी बट गई। अब धीरे धीरे महाराज बांटने लगे, सबन को बट गई। अब जिनको मिल गए वो तो प्रसन्न, और जिनको ना मिलो बेचारा उनको मोह लटक गए, उदास है। पर ठाकुर जी कैसे, जिन नहीं मिलो सुना मेरे भैया, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्राची दीदी
प्रमाण आप सामने सुन रहे हो। जो संबंध आपने मान लियो ठाकुर जी कोई ना कोई रूप में आकर के वह संबंध को निभाएंगे निभाएंगे निभाएंगे। तो आज ब्रजवासी ग्वाल वाले कैसे ठाकुर जी हंसी ठिठोली करते, क्योंकि जैसा भाव तुम रखोगे ना ठाकुर जी वैसे ही मस्त रहेंगे। क्या तुम मित्र बनाओगे तो तुम्हारे संग मित्र बन करके हंसी ठिठोली करेंगे। आप हसत हसावत ग्वाल, आप हसत हसावत ग्वाल, आप हसत करवे के बाद ठाकुर जी भैया टेर कदम ते गेदोख रहते भाई नंद भवन को लौटे, क्योंकि बाल रूप है ना, आज लंबे गैया चरावे चले जाएंगे तो थक जाएंगे, बालक है डर जाए वो। श्री महाराज टेर कदम पे थी लौट करके जो ब्रजवासी ग्वाल वाल हैं वो कन्हैया को लिया मैं, और महाराज आज भी नंद भवन में सब गाते भाई सामने। अभी अंतिम भाव ब्रजवासी भैया रसिया ना गाएंगे तो आनंद ना आएगा। महाराज सब गाते भाई जा रहे हैं। वाह भाई वाह। आयो गाय चराए ओ कन्हैया, सेवा है अपरस की सेवा है, और स्त्री को प्रवेश गर्भगृह में नहीं है,
पर आज के दिन जिनकी सेवा हुए वो मैया गर्भ गृह में प्रवेश करके लाला की आरती उतारे। यशोदा मैया करत आरती Oh,
कल की समझ रहे थे तो हमारे ठाकुर जी कल ग्वारिया वेश में आने वाले थे, तो कल होंगे, आएंगे तो श्रृंगार कल देखो नेचुरली गोपाल शुक्रवार का दिन है, गोप वेश में रहते हैं, पगड़ी वो अलग तरीके की और गोपाल के स्वरूप में ठाकुर जी रहते हैं। पर आज तो आपने कुंजेश्वर में मुझे ग्वारिया का भाव आने लगा, पीछे देख रहा था मगर लकुटी तुम्हारी बढ़िया लग रही है लाला, बड़े प्यारे लग रहे हो, श्री जी भी प्रसन्न हैं। और आपको देरी हुई, 10 बजे हमारा शयन का वो था, लेकिन पहले एक विशेष उत्सव के लिए, आज का जो उत्सव है और उत्सव में तो आप जानते हो अति करनी चाहिए, वरना तो उत्सव कैसे पता लगेगा। उत्सव ठाकुर जी ने कहा गोपाष्टमी आज है तो देखो भैया कल भी आ सकते थे, अगर मैं आज वहाँ चला जाता तो भैया कल आते, लेकिन आज ठाकुर जी को अपना ये और गोपाष्टमी उत्सव मनवाना था। और विशेष बात, इतनी देर यहाँ ब्रज प्रकट हो गया, ब्रज तो यहाँ रहता ही है सदा, लेकिन वो अंतर्निहित रहता है, अब बाहर आके प्रकट हो गया, ब्रजवासी आए गए। देखिए ब्रजवासियों को देखो, इनको तो
बड़ा धुन देते हैं, पीछे से आनंद कर देते हैं, और ऊपर से हमारे भैया क्या बताएं, बड़े सुंदर आ दधि मीठो मदन गोपाल। मुझे वैसे भी बहुत सुंदर लगती है लीला, जैसे ही इन्होंने बोला मैंने कही तो पूरी सुनाई दीजिए, और कितनी सुंदर लीला है। बहुत हम ये सुने, वास्तव में पद पद नहीं है, जो इनसे प्रेम करते हो, इन पदों से प्रेम करते हो, इन रसिकों से प्रेम करते हो, वो ही कदाचित इस पद का भाव आप तक प्रेषित कर सकते हैं। तो भैया को बहुत हम इतना इतना साधुवाद देते हैं भर भर के, क्या कहें, बस इस मार्ग पे दिन प्रतिदिन प्रिया प्रियतम की गाढ़म गाढ़म दीयते चित्त भृंगा, ऐसा हो रोज ये प्रति जो प्रीति है, और श्री कृष्ण चरणारविंद में जो मति है वो गाढ़ होती जाए, ये आसक्ति ये भाव, ठीक है ना। तो ऐसे हम भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, एक आग्रह भी करते हैं, जब कभी भी इधर आएं तो प्रिया प्रियतम से मिलने आ जाएं। तो अब तो हम जल्दी से शयन करेंगे और दीपोत्सव करेंगे, सब लोग आज का दीपदान है साथ में, सब लोग करेंगे ना, ठीक है। और भैया जी तो प्रसाद पाने चलेंगे हमारे साथ इधर ही, ठीक है, छत पर ठाकुर जी के यहाँ पर प्रसाद पाएं। चलिए पहले शयन कर लेते हैं, उसके बाद।